श्रोमणी अकाली दल दे सरकार दे समय हुईयां बेअदबियां दे दोष दे चलदियां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल पंजाब विच होण वाले जिमी चोणां नहीं लड़ पाउणगे। एक बार फिर तो प्रगटावा श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह होना वालों किया गया है। वह तो यह पत्रकार नाल गलबात करते हुए ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल चो जो कि एक पंथक पार्टी है उसके सारे नुमाइंदे पंजाब विच होण वालियां जिमी चोणां विच हिस्सा ले सकते हैं अते सिर्फ और सिर्फ सुखबीर सिंह बादल नूं छड्ड के क्योंकि उन्होंने खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब के कुछ समय बाद फैसला आने वाला है। उत ही ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल का हक बनता है पंजाब विच चोणां विच हिस्सा लेना और कभी भी उन्होंने नहीं रोकया जा सकता। अगे बोलदा होया रघुवीर सिंह होना ने कहा कि जिन्ना चिर तक सुखबीर सिंह बादल नूं लैके सज़ा नहीं सुनाई जा सकती उन्नी देर तक सुखबीर सिंह बादल चोण नहीं लड़ पाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी आप सब भली भांत जाणू हो कि पंजाब विच अगले महीने चार हल्कियां विच विधानसभा दीआं जिमनी चोणां करवाईआं जा रही हैं जिस विच वख वख पार्टियां वल्लों अपने अपने उम्मीदवारां नूं चोण लड़न वास्ते मैदान विच उतारिया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल भी इन्हां चोणां विच हिस्सा लै सकदा है, वह चोणां लड़ सकदा है। अकाली दल दे उत्ते चोणां लड़न उत्ते कोई पाबंदी किसी प्रकार की नहीं है। केवल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का मामला श्री अकाल तख्त साहिब जी के परंपरा और मर्यादा अनुसार होण करके उन्होंने चोण लड़न की आग्या नहीं दी जा सकती, पर बाकी भी सारी पार्टी यह विधानसभा चोणों के हिस्सा लै सकती है। किसी प्रकार की भी पार्टी के चोणों लड़न उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।